पार्ट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लुकअप और ये सारी चीजें, बट वी लुकअप समझना जरूरी है। वी लुकअप जिन लोगों ने पिछली बार क्लास अटेंड किया उनको समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से हरमीत, संचय और अदिति तीन लोग थे पिछली बार। ओके, और इस क्लास में जो नए लोग आए हैं वो हैं अनुष्का और मनीष। आप लोगों को वी लुकअप का आइडिया है? अनुष्का, मनीष, यस सर, आप देख पाए थे क्या अनुष्का वी लुकअप का वीडियो? आपको कुछ क्लैरिटी है उसका? यस सर, आई सॉ हाफ द वीडियो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मनीष, आपको कुछ आइडिया है? मैं क्विकली क्विकली थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, आप तीनों को चलेगा अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं वी लुकअप का तो? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। वी लुकअप देखो क्या करता है। मनीष आपका आवाज नहीं आ रहा, आप सुन रहे हैं? मनीष, यस सर, आ रहा है? ठीक है। वी लुकअप देखिए बेसिकली क्या करता है, उसका नाम है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल टेबल से वो कुछ भी डेटा ढूंढ के निकालता है, उसका इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे, मैं अगले दो आज और कल के दिन में हम लोग वी लुकअप और पाइवट टेबल कंप्लीट करेंगे, जिससे आप देखोगे कि हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं और ये दोनों टूल्स कैसे हमको यूज होते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं, वो सारी टेबल्स के अंदर से हम डेटा निकाल के और उनको जोड़ के किस तरीके से हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दो टूल्स यूज होंगे, वी लुकअप यूज होगा और पाइवट टेबल यूज होगा। वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप किसी एक, कोई भी चीज आपको किसी टेबल के अंदर से ढूंढ के निकालनी है तो वो आप वी लुकअप फॉर्मूले से उसको आप ढूंढ के निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, मैंने साइड में ये वाला एक्सेल फाइल खुला हुआ है, फिफ्थ एक्सेल फाइल खुला है आप लोगों के पास? आप लोग फिफ्थ सिक्स ये दोनों एक्सेल फाइल्स खोल के रखिए, फिफ्थ सेशन सिक्स सेशन। मनीष ओपन है आपके पास? सर ओपन कर रहा हूं। तो वी लुकअप, बाकी लोग एक बार बताइए वी लुकअप के लिए हम कैसे कैसे आप वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। इस टेबल में एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है और ये जो टेबल है जिसमें प्रोडक्ट है, सप्लायर है, प्राइस है, मैं यहाँ पर चाहता हूं मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखूं और उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस मुझे यहाँ पर पता चल जाए। जी 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 10 सेल के अंदर आई वॉन्ट टू राइट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दिस टेबल और उसका प्राइस मेरे को निकल के आना चाहिए ये ग्रीन वाले सेल में। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। येलो सेल के अंदर मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखूं, मैंने यहां से कॉपी किया, सपोज करो ये कार लोटा, कंट्रोल सी किया मैंने और यहां पर पेस्ट किया, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग उसका मेरे को प्राइस यहां पर निकल के आना चाहिए प्राइस कॉलम में। तो इसके लिए मैं कहां पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या करूंगा, थोड़ा कोई बताएगा मेरे को? अदिति आप बता सकते हो? प्राइस वाले में लगाएंगे, प्राइस वाले सेल में हम वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। वीलुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू वीलुकअप। अच्छा आप सीधा इक्वल्स टू वीलुकअप से लिखना चाहते हो, ठीक है। इक्वल्स टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन करो। यस सर। पहली चीज क्या है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या करूंगा मैं? कार लोटा। हाँ, ये वाले सेल को लूंगा जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट का नाम लिखने वाला हूँ, कॉमा करूंगा, फिर टेबल अरे। टेबल अरे कौन सा लूं? ये वाला टेबल जिसमें मेरे को पूरा टेबल, पूरा टेबल ले लूं। फिर क्या करूं? सर फिर थ्री आएगा बिकॉज़ थ्री कॉलम्स है। पहले कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगा के फिर लिखूंगा थ्री, क्योंकि थर्ड कॉलम में प्राइस है इस टेबल में, थर्ड कॉलम में प्राइस है। फिर क्या करूं? जीरो कॉमा लगाऊंगा और जीरो लिखूंगा क्योंकि, हाँ टेबल अरे सर लॉक होगी, टेबल अरे फ्रीज होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीरो हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच है। यस, एग्जैक्ट मैच के केस में, क्योंकि सेम नाम हम जो भी नाम यहाँ पे दे रहे हैं वही नाम हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और ये हमने करके, और जैसा कि हरमीत ने बताया टेबल हमेशा लॉक करनी है हमको, हमने इसको फंक्शन F4 प्रेस किया, फंक्शन F4 प्रेस किया और ये लॉक हो गई। यहाँ पे कार्लोटा का प्राइस 27.95 आ गया डॉलर्स में, राइट। यहां पर मैं दूसरा प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फ्लाइंग ईगल लिख दिया मैंने,
फ्लाइंग ईगल लिखा, एंटर किया, अब उसने 19.95 फ्लाइंग ईगल का प्राइस बता रहा है. सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहां पर, जो भी प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं वी लुकअप उसकी फॉर्मूला जो है दूसरे सेल में लगा हुआ है H10 सेल में, वो क्या कर रहा है फ्लाइंग ईगल वर्ड को जाके इस टेबल में ढूंढता है और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम से प्राइस निकालकर यहां पर लिख देता है. ये अनुष्का क्लियर हुआ आपको? यस सर. सर बट व्हाई द टेबल एरे हैज टू बी फ्रोजन, हैज टू बी फ्रोजन, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैं जरा सा आगे बढ़ूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसमें दो डाउट्स होने चाहिए आपको. एक तो ये लास्ट में मैंने बाय डिफॉल्ट जीरो लिखा है, ये क्यों लिखा है, और एक टेबल एरे क्यों फ्रीज होता है. ये बाकी चीजें इसमें क्लियर है, क्योंकि जो ढूंढना है आपने यहाँ पे लिखा, कहाँ पे ढूंढना है वो टेबल दिया आपने, फिर उसके बाद आपने कॉलम नंबर बताया और उसके बाद जीरो लिखा. जीरो इज फॉर एग्जैक्ट मैच, जहां अप्रोक्सीमेट मैच होता है वहां पर वन लिखते हैं. जीरो एंड वन आर द ओनली वैल्यूज विच गो इन द फोर्थ सिंटैक्स पार्ट. तो जीरो यहां पर हम ले रहे हैं, वन का एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वाई वी आर फ्रीजिंग द टेबल, राइट? ठीक है मनीष, क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है, अब देखिए हम यहां से आ जाते हैं उस सिचुएशन में जहां पर हम जीरो की जगह वन करेंगे. एक सेकेंड, ये देखिए उसके जस्ट नीचे एक सिचुएशन है. मेरी एक सेल्स की टीम है जिसके अंदर सेल्स के क्राइटेरिया लगी हुई है, लाइक वो जीरो से 10,000 तक की सेल करता है, बट 10,000 इंक्लूडेड नहीं है, मींस 0 to 9999, तो उसको 0% कमीशन है. अगर वो 10,000 से 19,999 तक सेल करता है तो 1% कमीशन है, उसके बाद 2% कमीशन है. नाउ आप अगर एचआर में हो और कोई सेल्स वाला बंदा पूछ रहा है मेरा कितना परसेंट कमीशन बनेगा, तो यू विल आस्क हिम कि तुम्हारा सेल कितना है. तो इफ ही सेज कि मेरा सेल है 54,000, यू विल पुट इन 54,000 हियर एंड यू विल एंटर, और आप उसको बता सकते हो 6% तेरा कमीशन है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर, आपने एक छोटी सी टेबल इसके बगल में बना दी जिससे कि आप हर एक अमाउंट के साथ आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, यू जस्ट पुटिंग द सेल्स फिगर हियर एंड यू आर गिविंग द आंसर. इसमें भी हम वी लुकअप लगाएंगे, कैसे करेंगे वो देखो. यहां पर हम सेल्स फिगर डालेंगे तो इस वाली जगह पे, मैं फिर से इसको ग्रीन करता हूं, ग्रीन वाले सेल में हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वी लुकअप का. वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगेगा, इक्वल टू वी लुकअप की जगह मैं इस बार यहां से लगाता हूं. यहां पर गए, वी लुकअप टाइप किया हुआ है हमने, ओके किया, तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला आ गया. इसमें पहली चीज क्या ढूंढना है, तो मैं यहां पर सेल्स फिगर वाला कॉलम दूंगा, सेल दूंगा G19 की, जो भी सेल्स मैं इसमें दूंगा वो आपको सर्च करना है. टेबल अरे में वो पूछ रहा है कहां जाके सर्च करना है, वी गिव द टेबल, इन दिस टेबल वी हैव टू सर्च, देन इट इज आस्किंग कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, जिसको जिस कॉलम में से डेटा मैं रिटर्न करूंगा. हियर ऑल्सो फॉर्चुनेटली इट इज 3 ओनली, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम इज बोनस कमीशन, वील पुट 3 देयर, एंड देन हियर वी आर गोइंग टू पुट 1, हियर वी आर गोइंग टू पुट 1 नॉट 0, एंड वील से ओके टू इट. ओके करेंगे तो ये देखिए यहां पर मैंने अब सेल्स फिगर डाली उसकी 15,000 रुपए, 15,000 इज द सेल्स फिगर. ये कह रहा है 1% कमीशन है, यू कैन चेक कि 10,000 से 19,999 तक 1% कमीशन है, उसने बता दिया 1% है. नाउ जीरो और वन का कमाल देखिएगा. अगर आप लोग ये शीट आपके पास है, सबने ये शीट खोली हुई है, ऑल ऑफ यू हैव दिस शीट गाइस? यस सर. ओके, तो यहां पर आप फिगर चेंज करिए, यहां पर लिखिए 20,000, राइट, 20,000 देयर, और एंटर करिए. यहां पर उसने बोला 2%, आप फिर से फॉर्मूले में जाइए और 1 की जगह 0 कर दीजिए, लास्ट जो वैल्यू है उसको 0 करिए, एंटर करिए, उसमें आपको आंसर बता रहा है 2%, राइट. नाउ इस 20,000 को आप 21,000 करिए, एंटर करिए, देखिए आंसर नहीं बता रहा है. सो क्या हुआ, कोई गेस कर पाएगा व्हाट हैपेंड एक्चुअली? 20,000 का आंसर क्यों मिला और 21,000 का आंसर क्यों नहीं मिला मुझे? संचय, कुड यू एक्सप्लेन एग्जैक्ट वैल्यू? यस सर, वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, मतलब जीरो से एग्जैक्ट मैच होता है. ओके, देखिए क्या कह रहे हैं संचय, व्हाट संचय इज सेइंग कि यहां पे हमने जीरो कर दिया, जीरो इज एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट मैच में वो वैल्यू जाके यहाँ पर ढूंढता है. जब मैं इसको 20,000 लिखता हूँ तो 20,000 उसको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है और उसके करस्पॉन्डिंग 2% वो रिटर्न कर देता है. लेकिन जैसे ही मैं उसको 21,000 किया, एक्सेल कंफ्यूज हो गया. एक्सेल कह रहा है कि मुझे ये 21,000 इसमें नहीं दिख रहा है, तो हाउ, व्हाट डू आई डू नाउ?
मैं अब वी लुकअप के फॉर्मूले में यहाँ पे वन कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि आप अप्रोक्सीमेट मैच करो, और उसने फिर बोला ओके 2% दिख रहा है मेरे को, 21,000 का कमीशन 2% है, क्योंकि 21,000 इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 20,000 टू 30,000, मतलब 30,000 से कम सेल है और 20,000 से ज्यादा सेल है, तो आई विल गिव 2% कमीशन। दिस कैन बी फाउंड आउट, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मैच है, एक रेंज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मैच कर रहा है। एग्जैक्ट मैच जो जीरो वाली सिचुएशन है वो तभी काम करती है जब सेम वैल्यूज हो। अगर यहां पर मैं 30,000 डाल दूं, ये आंसर दे देगा आपको, इट विल गिव यू द आंसर 4%। लेकिन चाहे उसमें मैं ये मेरा अप्रोक्सीमेट मैच है, मैं एग्जैक्ट मैच कर दूं तो भी आंसर दे रहा है, इट इज गिविंग मी आंसर। लेकिन अगर मैं इसको 31,000 या 32,000 किया मैंने, तो बोलेगा मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। और इसको समझाने के लिए उसको मेरे को यहां वन करना पड़ेगा, बिकॉज वन इज अप्रोक्सीमेट मैच। ये समझ में आया अनुष्का आपको? यस सर। ओके मनीष, क्लियर है आपको? यस सर। ओके वेरी गुड। अब हम आते हैं उस प्रॉब्लम पे जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अनुष्का, ये हम हैं V9 पेज पे इसके, और मनीष प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरी क्या जरूरत है, मैं इस कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ, आई विल जस्ट डिलीट दिस कॉलम, कंट्रोल माइनस, राइट। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू सिचुएशन, बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए क्या सिचुएशन है, कि मेरे मेरे पास मेरे प्रोडक्ट है, मैं एक सीईओ हूँ कंपनी का, और मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इस कंपनी में मैं देखता हूँ वो है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया तो 7,400 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, राइट। एंड आई वॉन्ट माई डेटा एनालिस्ट टू गिव मी एन इनसाइट इन टू दिस। इसमें क्या क्या हेडिंग्स है वो देखिएगा, यहाँ पर डेट है, प्रोडक्ट है, कंट्री कोड है, यूनिट्स हैं और सेल्स हैं, कितने यूनिट्स बिका, कितना रुपया आया, कौन सी कंट्री में बिका, प्रोडक्ट कोड कौन सा था और डेट कौन सी थी। ये डेटा है मेरे पास, 7,800 चीजों का डेटा है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा एनालिस्ट मेरे को ये बताए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, कौन सा खराब बिक रहा है, विच इज डूइंग वेरी गुड, विच इज डूइंग वेरी बैड। तो वो आके प्रोडक्ट एनालिस्ट पूछता है कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, कैन यू टेल मी। मैंने उसको एक क्राइटेरिया टेबल बना के दे दी, मैंने उसको बोला कि दिस इज द क्राइटेरिया, अगर सेल जीरो है तो वो बिलो पार है, इफ सेल इज बिटवीन 0 to 29 बिलो पार है, 30 से 67 पार है, 68 to 149 एवरेज है, 150 to 249 टारगेट है, 251 to 499 इज अबव टारगेट, 500 के ऊपर एक्सेलेंट है, ये मेरा क्राइटेरिया है। नाउ गिव मी अ टेबल, मुझे बताओ एक एनालिसिस करके कि कौन सा प्रोडक्ट किधर फॉल कर रहा है, गिव मी सम इनसाइट्स। Now, as an analyst, what will you do? यहां पर तुम्हारे पास सेल्स है और उसने सेल्स का क्राइटेरिया दे दिया है। You will try to put these categories in front of every product. हर प्रोडक्ट के सामने तुम वो कैटेगरी लगाने की कोशिश करोगे। वो कैटेगरी कैसे लगाओगे? कैटेगरी लगाने में आपकी मदद करने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि मैनुअली अगर आप करोगे तो कैसे करोगे मैं दिखाता हूं, और वही काम एक्सेल करेगा। मैनुअली आप कैसे करोगे, पहला प्रोडक्ट देखोगे, पहला प्रोडक्ट कितना है, 263.52 रुपीज। आप यहां पर जाओगे 263.52, पहले आपने क्या किया, सेल की वैल्यू देखी, क्या ढूंढना है उसको देखा, फिर आप इस टेबल में गए जहां आपको ढूंढना है, वहां जाके आपने देखा कि ये 250 से ज्यादा और 500 से कम है, मतलब ये अबव टारगेट है। तो आप यहां पर पहले तो कैटेगरी हेडिंग डालोगे, कैटेगरी हेडिंग डाली आपने, और उसके बाद आप इसको लिखोगे दिस इज अबव टारगेट, यू विल टाइप हियर अबव टारगेट, और ये अब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए करोगे 32.78। आप यहां पर जाओगे और बोलोगे ओके दिस इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ पार, यू विल पुट इट एट पार। थर्ड वाला कहां पे गिरेगा, कैन यू टेल मी गाइज वेयर द थर्ड वन विल गो? तीसरा क्या कैटेगरी मिलेगी फन फ्लाई की, द सेल इज 37.8। पार्डन, पूरा दिन भी लगेगा, गलतियां भी होंगी। यहां पर क्या करेंगे, वी विल आस्क वी लुकअप टू डू इट। हम वी लुकअप को बोलेंगे कि प्लीज हमारा ये काम कर दो, तो हम लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, वी विल पुट वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, ये सेल्स को ढूंढना है। I'll click here, comma, बोल रहा है कहां पे ढूंढूं, go and search in this table, कौन सी value return करूं, second column की value return करूं, comma, exact match है या approximate match है,
गाइज अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सो व्हाट विल पुट वन वन डालेंगे ब्रैकेट एंटर किया मैंने फ्रीज नहीं किया है अनुष्का हियर यू विल गेट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन मैंने फ्रीज नहीं किया है मैंने एंटर किया और ये मेरे को वैल्यू मिल गई अबव टारगेट अब मैं इसको डबल क्लिक करने से मेरा कॉपी हो जाना चाहिए मैंने डबल क्लिक किया आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स हियर व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स बिकॉज एज आई मूव डाउन ये मेरा क्वेरी के लिए 55 का सेल देखने के लिए वो टेबल भी नीचे लेके जा रहा है इट इज टेकिंग द टेबल ऑल्सो डाउनवर्ड्स यहाँ पे क्लिक करिए टेबल नीचे खिसकती जा रही है यहाँ पर क्लिक किया टेबल देखिए नीचे हो रही है एवरीवेयर व्हेन आई गो डाउन यू कैन सी द टेबल इज ऑल्सो मूविंग डाउन बट आई वॉन्ट माई टेबल टू बी फ्रोजन जिस टेबल को सर्च करना है वो टेबल मेरे को फ्रीज करनी है एल्स एज आई मूव डाउनवर्ड्स मैं यहाँ पर आके इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो वो टेबल को यहाँ पर ढूंढ रहा है but it is not able to find the table here and so it is saying that I am not able to do your work to yahan par aake sirf hum kya karenge we will just freeze the table we'll freeze the table yahan par jayenge function f4 karenge enter karenge yahan par cursor rakhenge aur double click marenge now you have all the answers pure cells mein aapke answer lag gaya niche se upar tak usne category laga di hai is this okay ye samajh mein aaya yahan tak aap logon ko yes sir मनीष आर यू विद अस यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है क्लैरिटी यस सर अब देखिए अभी क्या वो ये वाला टेबल आप अपने सीईओ को दे सकते हो कैन यू गिव दिस टेबल टू योर सीईओ गाइस टेल मी क्या ये टेबल आप सीईओ को दे सकते हो यस व्हाई आर यू सो स्केयर्ड हाँ ना कुछ तो बोलो नो सर नहीं दे सकते नहीं दे सकते क्योंकि इसमें भी 7000 रोज है ये दोगे फिर तुम्हारी पिटाई करेगा वो कि ये क्या लेके आ गए मेरे पास अभी तुमने आधी एनालिसिस करी है अभी तुमको इसको पूरी एनालिसिस में कन्वर्ट करना है राइट अब इसके बहुत सारे तरीके हैं सबसे आसान मैंने एक फॉर्मूला मेथड सिखाया था एक यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल स्टार्ट हो रहा है पाइवट टेबल क्या करेगा यहाँ पर मैंने कर्सर रखा इंसर्ट पे जाऊंगा पाइवट टेबल पे जाऊंगा फ्रॉम पाइवट टेबल रेंज क्लिक करूंगा डोंट वरी विद द स्पीड मैं बहुत स्लोली आपको समझाऊंगा बस मैं अभी आपको ये एनालिसिस दिखा रहा हूँ कह रहा है कि न्यू वर्कशीट पे जाऊं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाऊं मैं बोल रहा हूँ उसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मेरे को यहाँ पर ये पाइवट टेबल क्रिएट करके दो और मैंने उसको ओके किया उसने साइड में एक टेबल बनाई मेरे लिए और उसके बाद उसने मेरे लिए ये छोटू सी टेबल खोल दी बोला आप क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ हम यहाँ पर जाएंगे और हम उससे बोलेंगे कि भाई मेरे को प्रोडक्ट की रोज दे दे यहाँ पर उसने प्रोडक्ट की कुछ रोज दे दी उसके बाद हमने उससे बोला मैंने उसकी कैटेगरी बनाई हुई है मेरे को उसकी कैटेगरी दे दो उसने उसकी कैटेगरी लगा दी और एक सेकेंड अच्छा हमें सेल्स 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 की फिगर्स चाहिए थी राइट वी वर लुकिंग फॉर दिस टेबल एज अ नहीं 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 ठीक है ठीक है ये देखिए ये भी काम नहीं करेगा जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है वी विल टेक दिस आउट मैं वापस ले रहा हूँ इसको I'll take this out also because this is not making sense to me. मैं category को उठाता हूँ I'll take the category here. और अब देखिए मेरी सारी category आ गई category के अंदर मैं category का count उठाने की कोशिश करूंगा कि किस category में कितने count है मैं values पे डालता हूँ ये count आ गया मेरा मेरे पास total 7428 product थे मैं अब CEO को बता सकता हूँ कि हमारा above target 524 है average में 344 से below par जो zero sales कर रहे हैं 3628 products है एक्सेलेंट वाले 155 है पार पे इतने हैं टारगेट पे इतने हैं परसेंटेज लगा सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ इसके ऊपर मैंने अभी आपको सिर्फ पिवोट का एग्जांपल दिया यहाँ पर देख के नाउ ही कैन टेक ए कॉल ही कैन आस्क ही कैन थिंक अबाउट रिमूविंग दिस 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स और अपने एक्सपेंसेस घटा के प्रॉफिटेबल बना सकता है वो अगर उसको दिख रहा है कि 3600 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू ही कैन टेक ए कॉल हियर बट ही कैन टेक ओनली कॉल आफ्टर यू आर गिविंग हिम दिस टेबल ये टेबल आपने जब दे दी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हमें आइडिया नहीं था लेकिन यहां से आपने एक बार VLOOKUP लगाया VLOOKUP लगा के आपने एक पाइवट टेबल ड्रॉ करी पाइवट टेबल के बाद अब आप इसको ये एनालिसिस भेज सकते हो कि सर दिस इज व्हाट इनसाइट आई कैन गिव यू ऑन दिस एंड यू कैन टेक ए कॉल ये थोड़ा सा समझ में आया बच्चों यस सर यस मैम ओके सो ये क्या हो रहा है हम दो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दो टूल्स अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप बेसिक एनालिसिस के लिए किसी भी कंपनी में जाके धक्के मार सकते हो कि मैं आपका काम कर डालूंगा राइट तो ये दोनों टूल्स को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कम से कम 5 से 6 एग्जांपल्स मैं कल कराऊंगा आज मैं दोनों टूल आपको समझा दूंगा कल हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे
मैं 5-6 प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाऊंगा और वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मुझे विश्वास है कि कल के बाद आप फील करोगे कि आप ये दोनों टूल में बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पा रहे हो। ये VLOOKUP यहाँ पर हो गया। VLOOKUP का मैंने 2 चीजें आपको दिखा दी हैं। क्या क्या दिखा दिया है? मैंने आपको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, 0 और 1 का एग्जाम्पल आपको दिखाया है, राइट। इसके अलावा इसमें 3-4 और चीजें होती हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद, मतलब या तो कल कवर करूंगा या उसके बाद कवर कर लूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा 90% जो चीजें यूज होती है, पहले आप उस पर कॉन्फिडेंट हो जाएं, ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं और 3-4 चीजों को लेके। आप ये दोनों को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर मैं इसके ऊपर और थोड़ी सी टॉपिंग आपको दूंगा जो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा कि यार अगर फंसूंगा तो भी कैसे निकलूंगा, वो वाली चीजें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। अभी हम आते हैं पिवोट टेबल्स पे। ये आप खोल लीजिए सेशन 6, राइट। सेशन 6 के अंदर हम क्या खोल लेंगे, इसमें शुरू में तो ज्ञान कहानी है, ये सब आपको मैं बहुत बार दे चुका हूं, इतनी बार दे दिया कि आप लोग भग जाओगे, और दिया मैंने तो। सो समिट्स और पिवट टेबल्स यहां पर लिखा हुआ है, इस पे हम आ जाते हैं, और ये मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था, अगर आपको ध्यान हो। ये वाली शीट खोलिए, 6 नंबर, खोल लिया तो यस बोलिएगा प्लीज। Yes, sir. ठीक है, इसमें समिट्स और पिवट टेबल्स हैं, राइट। यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है, डेट दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम दिए हैं और सेल्स दिया हुआ है। इसकी एक एनालिसिस हम लोगों ने सोची, प्रोडक्ट एनालिसिस जो आप लोगों को मैंने कराई थी वो यहाँ पर है। ये रीजन वाइज एनालिसिस है, क्या समिफ का फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल पाओगे? याद है बच्चों, भूल गए? यस सर, निकल जाएगा सर। हो जाएगा तो करो, यहाँ पर समिफ का फॉर्मूला लगाते हैं और हम इस सारे प्रोडक्ट की, पहले तो इसके हमेशा प्रोडक्ट को लेफ्ट राइट सेंटर देख लिया करो कि प्रोडक्ट ये, मतलब आपका डेटा कितना बड़ा है। चलिए लकीली वी हैव गॉट ए वेरी स्मॉल डेटा, 36 रोज का ही डेटा है, बट चलिए इसकी एनालिसिस अपन करते हैं। इसके एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे हम रीजन वाइज, यहाँ पर हम डेट वाइज और यहाँ पर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला मेथड इज समिफ लगाना है आपने, समिफ लगाया आपने, और मैंने बोला था इफ्स लगाते हैं हमेशा, ब्रैकेट ओपन हुआ, वो आपसे पूछ रहा है सम रेंज क्राइटेरिया और रेंज 1 और क्राइटेरिया 1, तो आपको मालूम है क्या क्या चीजें आपको देनी है। सम रेंज में आप ये सेल्स की वैल्यू देते हो, उसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे, ये आपका सम रेंज आ गया, कॉमा करोगे आप, उसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में क्योंकि आप रीजन देख रहे हो तो आप रीजन दे दोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया आपने, कॉमा किया, अब वो बोल रहा है क्राइटेरिया कहाँ पर है आपका, तो आप जाके उसको क्राइटेरिया बता दोगे कि मेरा क्राइटेरिया भैया ये रहा, नॉर्थ वेस्ट इज माई क्राइटेरिया, कॉमा किया आपने, ब्रैकेट बंद किया। कुछ चीजें फ्रीज करनी है आपको, मतलब ये जो हमने रोज सेलेक्ट किए थे दोनों सेलेक्ट करके फंक्शन F4 कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया और आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई, राइट। ये 4791 हो गया, इसको आपने क्लिक किया, नीचे खींच दीजिए, ये आपका डन हो गया। ये आप जरा तीनों के निकाल लीजिए फटाफट, अभी आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यार सर क्या किधर फ्रीज है, और आप लोगों का इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप लोग ये फॉर्मूले फटाफट लगाओगे। हो जाएगा तो प्लीज यस बोलिए। यस सर डन। अरे वेरी गुड, हु वाज दैट? अनुष्का, अदिति, अदिति, ओ वेरी गुड। डन सर, हो गया, सबने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ना पिवोट टेबल से करेंगे, अब देखिए कितना आसान हो जाता है ये तीनों, अगर आप लोग ने तीनों कर लेना, मेरी तरह आलस नहीं करना, मैं तो थोड़ा आलसी हो गया हूँ, अब एज भी तो हो गई मेरी, एक निकाल के बैठा हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, आपको करना है पिवोट टेबल से। पिवोट टेबल भी मैंने लास्ट में आप लोगों को सिखा दिया था, बट उसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट टैब पे गए, पहला वाला यहाँ पर पिवोट टेबल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, वो पूछ रहा है टेबल रेंज से कर दूं या मैं कहीं से एक्सटर्नल डेटा सोर्स उठाऊं, तो इसको बोलना है नहीं दादा
टेबल रेंज ही कर लो। जैसे ही आप इसको टेबल रेंज बोलोगे, आपको ध्यान देना है कि आपका डेटा पूरा सिलेक्टेड है कि नहीं, उसके चारों तरफ ये दिवाली की झालर लग गई है, राइट। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मैं नई वर्कशीट पे चला जाऊं या यहीं पर रिपोर्ट बना दूं, तो उसको बोलना है यहीं पे बनाना है। जब यहीं पे बोलोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो पूछेगा लोकेशन क्या है, तो अपन उसको लोकेशन यहाँ पर कोई सेल दे देंगे, वी आर गिविंग इट F23 लोकेशन दे दिया और हमने उसको बोला ओके। ओके करने के साथ ये खुल जाएगा हमारे पास, ये खुल गया है। यस गाइस, यस सर, ये खुल गया है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है ये पाइवट टेबल का, जो आपका जैसे आप कार चलाते हो ना, आपके डैशबोर्ड, गियर वेयर, ये सारी चीजें हैं। और ये जो व्हाइट ग्राउंड दिख रहा है ये पिच है, यहाँ पर आपकी रिपोर्ट दिखेगी बनके, और ये है जहां पर आप काम करोगे। और ऊपर आप देखोगे, अगर ध्यान दोगे, तो पाइवट टेबल एनालाइज और पाइवट टेबल डिजाइन करके दो पूरे के पूरे टैब्स खुले हैं, पूरा डिटेल में उनको भी समझेंगे, राइट। अब ये पाइवट टेबल एनालाइज और पाइवट टेबल डिजाइन खुला हुआ है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से आपसे ये क्रॉस हो जाए कभी, तो आप ये घबराना नहीं कि वो कहाँ चला गया। कहाँ से खुलता है वो पता है आपको? वो खुलता है पाइवट टेबल एनालाइज से। पाइवट टेबल एनालाइज क्लिक करके यहाँ पे शो के केस में फील्ड लिस्ट को क्लिक करेंगे, वो वापस आ जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र वापस आ जाएगा। फिर इसमें एक बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पर कई बार क्लिक करके इसको क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सर इसमें कैसे काम करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, व्यू चेंज हुआ है। यहाँ पे जाके ये जो आपका गियर बॉक्स दिख रहा है, इसका व्यू को चेंज करके और आप अपना फेवरेट व्यू वापस ला सकते हैं। ये आपका व्यू वापस आ गया, व्यू वापस आ गया। उसके बाद सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, पाइवट टेबल से आसान कुछ भी नहीं है। आपको रीजन का एनालिसिस करना है। थे हमें अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? राइट गाइस, और यहां से मैंने सेल्स यहां से पुल कर लिया, ये सेल यहां पर आ गया और ये आपके सामने। ओके ओके ओके, एक गलती कर रहा है ये, मेकिंग वन मिस्टेक, मैंने वहां टोटल लगा दिया था, ठीक है अब ठीक हो गया। सो आप लोगों ने ये निकाल पाए क्या? कुड यू डू दिस? आप ये तीनों के लिए कर लीजिए, डेट्स के लिए कर लीजिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए कर लीजिए। पाइवट टेबल से ही बनाना है। पाइवट टेबल से कैसे बनेगा? पहला हमने ये बनाया, उसके बाद हम कंट्रोल सी कर सकते हैं इस पाइवट टेबल को और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी, राइट। और इसका फिर से हम कैसे ओपन करेंगे? पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, फील्ड लिस्ट खोल लेंगे। फील्ड लिस्ट खोलने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्या लिया था? रीजन। हमें क्या चाहिए? डेट। हम यहाँ से रीजन को हटा देंगे और हम यहाँ से डेट लगा देंगे। यहाँ से भी मेरे को ब्लैंक हटाना पड़ेगा, होपफुली आपको नहीं हटाना पड़ेगा, आप लोगों ने टोटल नहीं किया होगा नीचे तो, और ये ठीक आ रहा है। उसके बाद अपन इसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर निकाल के बनाइए, बना के मेरे को ओके बोलिए। वेरी गुड, हमारे क्लास में अच्छा है, संचय मेरा काम चेक कर देता है। सबने निकाल लिया? यस सर, डन। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग पाइवट टेबल को थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा बंद कर दें अपन। ये देखिए, जब हम पाइवट टेबल को खोला है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। पहली चीज कि यहां पर अभी जो फिगर्स दिख रही है, ये क्या दिख रही है? सम दिख रही है। ऊपर क्या था? फॉर्मूले में था। अगर मैं इस सम की जगह एवरेज करना चाहूं तो हम क्या करते थे? यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? एवरेज इफ्स का। डू यू रिमेम्बर? काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, सम इफ्स, ध्यान है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पर हमें अगर करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत आसान है, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद समराइज वैल्यू बाय एवरेज को चेक कर लेंगे और ये एवरेज वैल्यूज निकल आएंगे। अगर हमें इसको काउंट करना है, इफ यू वॉन्ट टू काउंट इट, काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको राइट क्लिक किया, शो
समराइज वैल्यूज बाय काउंट कर लिया हमने। यहां पर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट के 10 हैं, साउथ वेस्ट के 4 हैं, वेस्ट के 8 हैं और टोटल काउंट्स 22 हैं। सिमिलरली यू कैन चेंज एनीथिंग हियर, बहुत आसानी से आप उसको बदल सकते हैं पिवट टेबल के अंदर और उसको अपनी रिपोर्ट में रख सकते हैं। आपको इसका चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने का सेम तरीका, आप इसको सेलेक्ट किया आपने और ऑल्ट फंक्शन F1 से हम लोग चार्ट बनाते थे, जो शॉर्टकट था वो हम लगा देंगे तो ये हमारा ये चार्ट रेडी हो जाएगा। अगर उसके अलावा हमें चार्ट चाहिए तो फिर हमें मालूम है हम इंसर्ट में जाके वहां से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वी कैन डू दैट इजीली। तो एनालिसिस आपने की और उसका आपने चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने पिवट टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर में मेरा पिवट टेबल एनालाइज को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए पिवट टेबल नेम, अपनी टेबल का आप नाम दे सकते हैं, इसकी फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें स्लाइसर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर में, डेटा रिफ्रेश कर सकते हैं, डेटा सोर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से, जो शो का बटन मैंने दिखाया है उसमें से आप यहाँ से फील्ड लिस्ट को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इसके डिजाइन के टैब में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर आप सब टोटल शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल्स अगर आप दिखाना चाहते हैं वो शो कर सकते हैं, रिपोर्ट के लेआउट्स आप अलग अलग करने चाहते हैं, किस तरीके की आप रिपोर्ट रखना चाहते हैं, सिर्फ आउटलाइन रखना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। टेबल को जो टेबल टूल्स में हमने चीजें सीखी थी वो आप यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी, टेबल का डिजाइन चेंज करना हो, टेबल का लुक चेंज करना हो, उसके ऊपर बैंडेड रोज कॉलम्स लगाने, हेडिंग रखना है, नीचे रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से डिजाइन में आके कर सकते हैं। सेम जो टेबल के फीचर्स थे वही हम यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये बाहर चला जाएगा और इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक जगह और आप देखोगे, इंसर्ट में अगर हम जाएंगे और इंसर्ट में जाके अगर आप यहाँ पे पिवट चार्ट देखते हो, इफ यू सी हियर चार्ट्स के सेक्शन में पिवट चार्ट, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन देता है कि आपको पिवट चार्ट चाहिए और पिवट चार्ट और पिवट टेबल चाहिए, दोनों साथ में चाहिए तो यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर डायरेक्टली और ये आपका पिवट टेबल भी बनाएगा और पिवट चार्ट भी बनाएगा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग में लिया, लोकेशन में हमने यहाँ पर ले लिया, यू टेक द लोकेशन हियर एंड वी से ओके। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर दो चीजें तैयार करने के लिए आ गया है, ये कह रहा है कि मैं आपका एक टेबल भी बनाऊंगा और एक, मैं थोड़ा इसको खिसका लूं, जगह छुप गई है पूरी, ये निकल के आया राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरी फील्ड्स चाहिए, फील्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आएगी मेरी। अब इसके अंदर मैंने जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज बनाना शुरू किया, मैंने यहाँ रोज पे डाला, ये आया, मैंने सेल्स वैल्यू उठाई, सेल्स वैल्यू के यहाँ डाली, तो ये देखिए साथ में ही चार्ट भी बनाता जा रहा है। सही है, फिर से बताइएगा थोड़ा सा स्टार्टिंग से। हाँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये चला गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मैं उसी टेबल पे जाऊंगा, मैं इसी टेबल पे गया, टेबल में कर्सर रखना बहुत जरूरी है, सब बताने के बावजूद बच्चे लोग कहीं पे भी कर्सर रख के और पिवट टेबल में चले जाते हैं, यहाँ रख देते हैं इंसर्ट पिवट टेबल में चले जाते हैं और बोलते हैं सर कुछ फील्ड ही नहीं आ रहा है, तो वो आने के लिए उसको बताना पड़ेगा ये तुम्हारा टेबल है। टेबल में कर्सर रखा, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में जो चार्ट्स हैं, चार्ट्स यहाँ पे कोने में तो पिवट टेबल ही है आपके पास, बट चार्ट्स में जाएंगे तो देखिए पिवट टेबल का सिंबल यहाँ भी बना है अलॉन्ग विद चार्ट बना हुआ है। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूछता है कि सिर्फ पिवट चार्ट बना दूं या दोनों बना दूं, तो आपने अगर दोनों को चुन लिया तो वो आपको बोल रहा है नई वर्कशीट में जाऊं। एक बार नई वर्कशीट में भी आप लोगों को लेके चलता हूं कि मान लीजिए आपका डेटा यहाँ बहुत कंजेस्टेड है और आप नई वर्कशीट में जाना चाहते हैं, उसको बोल दीजिए न्यू वर्कशीट, तो ओके करिए, ओके जैसे करेंगे नीचे एक नई वर्कशीट बना देगा, उसने एक शीट बना दी, वो डेटा आपका कहीं और है लेकिन वो सिर्फ आपकी एनालिसिस की रिपोर्ट के लिए यहाँ पे शीट वन कर दिया, इस शीट वन को जाके चेंज करके आप मेरी न्यू एनालिसिस नाम रख सकते हैं। न्यू एनालिसिस मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और ये मेरे पास एक डेटा टेबल पिवट टेबल आ गई है, ये मेरा पिवट टेबल चार्ट आ गया है और ये मेरा वर्किंग पैनल आ गया है। इस वर्किंग पैनल से मैंने जैसे बताया कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देख रहा हूं मैं, मैंने उठा के उसको यहाँ पर रख लिया तो ये मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लग गया। चार्ट अभी कंफ्यूज है क्योंकि एक ही एक्सिस बना है, जैसे दूसरा एक्सिस डालूंगा चार्ट को समझ में आ जाएगा उसको क्या करना है। यहाँ पे डाला, चार्ट ने इमीजिएटली मेरे को एक चार्ट बना के दे दिया।
ये ब्लैंक्स को मैं छोड़ूंगा, ओके करूंगा। अब ये मेरा प्रॉपर चार्ट हो गया, ब्लैंक्स नहीं आ रहा है, मेरा चार्ट भी करेक्ट हो गया, मेरा डेटा भी करेक्ट हो गया। तो ये एक बार आप लोग बनाइए जरा मेरे साथ, आप सब लोगों ने किया क्या इसको? सर हो गया, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर हो गया, हो गया सर, मैं कर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। वापस आते हैं हम लोग अपने डेटा पे, कहाँ थे हम लोग? हम लोग यहाँ पर नहीं थे, हम लोग यहाँ पर भी नहीं थे, हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कोई भी डेटा, डेटा साइज है यहाँ पे 36 का है, बट आपको अब किसी लेवल का भी डेटा आएगा, आप पाइवट टेबल उसके ऊपर बना पाओगे। पाइवट टेबल जब उसके ऊपर बना पा, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर देखता हूँ, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स और है। इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है, जैसे कहाँ थे हम, वर हियर, ये जैसे मैंने नंबर लिख लिया कि 10-20 तारीख को 4,606 रुपए का सेल हुआ, और आपको इसका नंबर फॉर्मेटिंग करना है। तो नंबर फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, इसके अंदर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट को क्लिक करिए, यहाँ पर आपको लेके जाएगा जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग वहां पर कर देगा। अगर मैंने उसको बोला कि मेरे को करेंसी फॉर्मेटिंग कर दो, तो उसने करेंसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर दी, ओके कर दिया। तो ये देखिए आपके रुपीज और ये जीरो वगैरह के साइन यहाँ पर लग जाएंगे। तो आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें राइट क्लिक जरूर करके देखिए, राइट क्लिक करिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। डेटा रिफ्रेश करने की भी आपको एक जरूरत कब पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, राइट? ये कर पाए आप लोग? यस सर, यस सर, ओके, वेरी गुड। उसके बाद ये कुछ शीट्स बनी हुई है इसमें, इसको आप लोग जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। अब हम एक एक क्रॉस टैब बनाता हूं मैं, एक क्रॉस टैब बनाते हैं हम लोग और फिर उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। इसको राइट क्लिक करता हूं, डिलीट करता हूं, पाइवट टेबल को हटाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट आप उसके चारों तरफ का एरिया सेलेक्ट करके फिर डिलीट कर दीजिए, चले जाएगा वो। डिलीट, लेफ्ट में सेल ले जाऊं, ये चला गया। मैं इसी छोटी सी टेबल को लेता हूं, वी गो टू इंसर्ट, वी गो टू पाइवट टेबल्स, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, टेबल रेंज ले लिया, उसको बोला एग्जिस्टिंग लोकेशन में मेरे को यहाँ पर चाहिए, और ओके कर दिया, या यहाँ पर लेते हैं थोड़ी जगह बचेगी हमारे लिए, और ओके कर दिया, राइट? इसने ये बनाया। अब मैं इसका छोटा सा क्रॉस टैब बनाता हूँ, क्रॉस टैब मतलब एक्स एक्सिस पे अलग, वाई एक्सिस पे अलग। तो मैं क्या करूँ, मैं सेल्स को लेता हूँ यहाँ पर, मैं रीजन को लेता हूँ यहाँ पर, और मैं सेल्स वैल्यूज को लेता हूँ यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, सेल्स वैल्यू ले लिया, और ये ले लिया। तो ये देखिए आपका क्या बना, ये आपका एक क्रॉस टैब बन गया। क्रॉस टैब के अंदर वो ये दिखा रहा है कि जो आपके जो फ्रेडी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसने नॉर्थ वेस्ट में कितना सेल किया, जीरो साउथ वेस्ट में कितना सेल किया, वेस्ट में कितना सेल किया, और ये निकल के आ गया, राइट? अब मान लीजिए आपको एक और जगह इसकी वैल्यूज दिखानी है इन परसेंटेज, एक सेकेंड, अभी अभी मान लीजिए मेरे को इसका वैल्यूज दिखाना है परसेंटेज के रूप में, मैं यही टेबल कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहीं पर पेस्ट कर लिया मैंने। ये भी एक प्राइवेट टेबल बनी हुई है, सारी फीचर्स उसके वही वाले हैं। इसके अंदर आप गए, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज में मैंने इसको बोला कि मेरे को पूरे कॉलम का परसेंटेज ले लेते हैं, कॉलम का परसेंटेज ले लेते हैं कि किसने कितने एरिया में, सो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, इट इज शोइंग कि कॉलम का जो परसेंटेज है इसने इसको 100 कर दिया नीचे, और नॉर्थ वेस्ट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये दिखा रहा है। नॉर्थ वेस्ट की सेल अगर 15,000 है तो उसमें से 56% जून जून ने किया है और गीगी ने 43% किया है। 100% अगर मैं साउथ वेस्ट का सेल मानू तो उसका सेल का ब्रेकअप फ्रेडी और गिगी के बीच में 25% और 74% है, यहाँ पे इसके बीच में है, और यहाँ पे अगर 100 मांगू तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसी को चेंज करके देखना चाहूँ या एक और टेबल बनाना चाहूँ, वी कैन गो इन शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ टोटल रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ओके। ये देखिए इसने क्या किया, हर रो को 100% कर दिया, और यहाँ पर और कोई कंपटीशन नहीं है तो पूरा सेल जून से ही आया है, यहाँ पे पूरा सेल चिन से ही आया है। फ्रेडी के केस में उसने
साउथ वेस्ट और वेस्ट में अलग अलग सेल्स दिखाई हुई है। तो इस तरीके से आप इसको अलग, आप इन डेटा को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको ग्रैंड टोटल का टोटल कर दूं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो यहां पर देखिए इसने क्या किया कि 100% टोटल सेल्स है, तो फिर किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो यहां पर शो कर रहा है कि जून का परसेंटेज 26 है, पूरे में से चिन का 27 है, इसका 10 है, गीगी का 35 है। इस 26 के अंदर उसने पूरा का पूरा 26 यहां पर किया हुआ है, इसके 10% में से उसने 5% यहां पे किया हुआ है, 4% यहां पर किया हुआ है, ये दोनों मिला के 10% बन रहा है। इसका 35 जो है 20 और 15 मिला के इस रीजन में सेल हो रहा है। तो ना कि नंबर्स बट उनके परसेंटेजेस को भी आप अलग अलग वे में एक पाइवट टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ठीक है गाइज, यहां तक सही है हम लोग? आवाज नहीं आ रही, सब चले गए क्या? यस सर। हैं आप लोग यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यस सर, ठीक है। तो ये देखिए, ये मोटा मोटी पाइवट टेबल हो गया। पाइवट टेबल को हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा स्लाइसर्स वगैरह को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक सेकंड मैं देखूं अगर इतने डेटा पे भी स्लाइसर लग जाएगा क्या, एक सेकंड। स्लाइसर देखिए बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, स्लाइसर बेसिकली एक डायनामिक फिल्टर है। और ये कहां से आता है, मैं यहां पर अगर जाऊंगा एंड आई विल से इंसर्ट स्लाइसर, एक स्लाइसर मैंने उसको लगाने के लिए बोला, तो यहां पर उसको क्या दिख रहा है, उसको रीजन ही दिख रहा है सिंपली। तो मैंने बोला कि रीजन का एक स्लाइसर मेरे को यहां पर लगा दो, रीजन का वो स्लाइसर यहां पर मैंने जैसे ओके किया, ये देखिए एक ये स्लाइसर बना दिया इसने, राइट। इसका यूज हम लोग करेंगे जब मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग यूज होगा, बट अभी आप थोड़ा सा इसका देख लीजिए। ये देखिए क्या किया हमने, एक स्लाइसर यहाँ पर लगा लिया। अब इस स्लाइसर में क्या है, ये डायनामिक फिल्टर है, इसमें मैंने नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है। मैंने अगर नॉर्थ वेस्ट क्लिक कर दिया तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का डेटा दिखाएगा, साउथ वेस्ट क्लिक कर लिया तो साउथ वेस्ट का डेटा दिखाएगा। कंट्रोल करके अगर मैंने दोनों को चुन लिया तो दो का डेटा ये शो करेगा, और अगर मैं यहां से स्लाइसर का फिल्टर हटा दूंगा तो ये मेरे तीनों को डेटा शो करेगा। ये देख पा रहे हैं आप, कुड यू सी दिस गाइस? यस सर। यस सर, ठीक है। और ये जो स्लाइसर है, जब आप स्लाइसर पे काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे स्लाइसर का पूरा का पूरा विंडो खुल जाता है, और स्लाइसर पे भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत इसको जरूर देखेंगे, मैं एक लेक्चर या दो लेक्चर रखूंगा बाद में, जहां पे हम इसका विजुअल्स बनाना देखेंगे, डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके कलर्स वलर्स चेंज कर सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्लिक करके एक डायनामिक डैशबोर्ड बना सकते हो। जिस जगह भी क्लिक करोगे पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी चेंज होती है। कॉलम्स अगर आपको दो करने हैं, यहां से मैंने दो कॉलम कर दिया तो फिर ये टू कॉलम लुक में आ जाता है। इसको भी हम टाइम देंगे जरूर, और इसको अच्छे सा एक डैशबोर्ड हम लोग डेवलप करेंगे सारे मिलके, वो भी आपको मजा आएगा। सो ये आप स्लाइसर्स पे काम कर सकते हैं, स्लाइसर्स मल्टीपल स्लाइसर्स आप लगा सकते हैं। जैसे बड़ी टेबल है तो उसके अंदर आप डेट की भी स्लाइसर लगा सकते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भी स्लाइसर्स लगा सकते हो, और जो चीजें भी आपको दिखाना है सिर्फ वही डेटा आपको वहां पर नजर आएगा। स्लाइसर्स का ये फायदा मिलेगा आपको, स्लाइसेस को ग्रुप कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, कैसे प्लेस करना, ये सारा फीचर्स हम डैशबोर्ड में यूज करेंगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे। सो स्लाइसर आप लोग लगा के देख पा रहे हैं गाइस, यू आर एबल टू डू इट? यस सर। वेरी गुड। कल के सेशन में हम लोग कई सारे केसेस करेंगे, वी विल डू सम डेटा एनालिसिस ऑन लार्ज डेटा एंड विल ट्राई टू यूज VLOOKUP एक्सटेंसिवली अलॉन्ग विद दिस एंड अचीव दैट, राइट। अभी अभी एक काम करिए आप लोग, मेरे को ये वाला शीट खोलिए, ये डेटा क्लीनिंग वर्क फ्रॉम होम, एक बार इसको खोलिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है।
और जैसे जैसे आप काम करेंगे ये आपका बेसिक बनेगा, कैसे आप डेटा को क्लीन करके और फिर उसके बाद आप वीलुकअप लगाएं या जो भी करें, बट इनिशियली ये वाली एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। एक बार इस डेटा को खोलिए और थोड़ा सा इस पे काम करेंगे अपन। ये डेटा आप फाइल खुल जाती है तो प्लीज मेरे को बताइएगा। खुल गया। खुल गया? क्या साइज है फाइल का, कितना 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 रोज है इसमें? सर 56,000। 56,000। 56,000। ये एक रियल एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। 56,000 का डेटा किसी कंपनी को क्लीन कराना था, उनको इसके अंदर से तीन चीज चाहिए, अकाउंट नंबर, अमाउंट और डेबिट क्रेडिट। इसके अंदर देखिए आप लिखा हुआ है, शुरू में अकाउंट नंबर है, लास्ट में देखिए अमाउंट लिखा हुआ है उस अकाउंट का, और उसका क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर्स हैं और ये सारे अकाउंट्स की डिटेल इन्होंने निकलवाई है 56,000। इसके ऊपर ये कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये इस पे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा किस फॉर्मेट में है। इस ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इसको मैंने जब आपको एक्सेल पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि चार तरीके का डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, डेट होता है, बुलियन वैल्यूज होती है। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, क्या है ये? मिक्स्ड। मिक्स्ड तो कोई कैटेगरी बताया नहीं मैं, ये तो सब कुछ है इसमें तो। सर टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। कैसे पहचान रहे हो टेक्स्ट है? ये लेफ्ट में अलाइंड है। एक्सेल के अंदर जो डेटा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, एक्सेल उसको टेक्स्ट मानता है। यस सर। अगर वो राइट में आएगा वो नंबर हो जाएगा, डेट होगा राइट में आएगा, बुलियन वैल्यू सेंटर में आएगा। ये लेफ्ट में अलाइंड है, ये टेक्स्ट डेटा है, और यही तुम्हें फॉर्मेट ऑफ डेटा इनिशियली मिलेगा जब तुम कंपनीज में जाओगे। तुमको टेक्स्ट फॉर्मेट, सीएसवी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स में डेटा इसी तरीके से आएगा, और तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉलम्स के अंदर ताकि तुम उसके ऊपर काम कर सको। ये जो अकाउंट नंबर शुरू में दिया है, अगर मैं एक एक कॉलम में इसको दे दूं तो तुम उसके ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम इस पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। Am I right? तो हम लोगों को सबसे पहले इसमें से क्या करना है, हमको इसके अकाउंट नंबर निकालने हैं। अकाउंट नंबर में 9 कैरेक्टर्स है, ये 9 कैरेक्टर्स को अलग करना है, तो कुछ आप लोग दिमाग लगा के बता सकते हो, मैं ये सी कॉलम में इसके 9 कैरेक्टर निकालना चाहता हूं, क्या करूं? कोई फॉर्मूला याद है आपको? पाउंड डेटिनेट सर, भूल रहा हूँ, उसने बताया था आपसे। मेरे को 9 कैरेक्टर निकालने हैं इसमें से, कौन कैटिनेट जोड़ता है, हमें अलग करना है। वी कैन यूज लेफ्ट सर, इक्वल टू लेफ्ट करके आएगा सर कुछ फॉर्मूला। वी कैन यूज लेफ्ट, LEFT, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा किया, 9 किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ये निकल आया मेरा अकाउंट नंबर इसमें से। ये अकाउंट नंबर मेरा निकल आया, ये अकाउंट नंबर देखो लेफ्ट में ही है, इसका मतलब उसको अभी टेक्स समझ रहा है, अपन इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? ये आ गया यहाँ पे। अब मैं अगर इसको रन कर दूं, ये बीच का कॉलम हटा देता हूं मैं, अगर मैं इसको रन कर दूं तो मेरे को सारे वैल्यूज मिल जाने चाहिए। मैंने रन किया, ये वैल्यूज आए, क्या ये सही आए हैं? एक बार नजर मारो जरा, मेरी स्क्रीन दिख रही है या अपनी स्क्रीन पे करते चलो मेरे साथ, डू इट विथ मी, लेफ्ट लगा के क्लिक करो, फिर मेरे को बताओ क्या ये सही है? नो सर। क्या गड़बड़ हुई सर? डॉलर लगेगा शायद। अरे बच्चे नहीं, और कोई गड़बड़ है, डॉलर नहीं। आप इसमें देख रहे हो क्या बराबर कैरेक्टर्स आए हैं? 9 कैरेक्टर आए क्या सेकंड रो में? नो सर। अनवांटेड स्पेस हटाना पड़ेगा। अनवांटेड स्पेस हटेगा, क्या लगाऊं, क्या फॉर्मूला? अनवांटेड स्पेस किससे हटाते थे, सब भूलते जा रहे हो। ट्रिम ट्रिम ट्रिम, याद रखो बच्चों, याद रखो, ट्रिम किया मैंने, ट्रिम किया। ये देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इसको लिया और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, राइट? और इसको सेल को बड़ा करूंगा, इसको अब मैं दौड़ाऊंगा, पहले आई विल रन दिस। ये देखिए अब आपको आंखों से दिख रहा है, स्पेस उड़ गया है और ये लाइन से लग गए हैं बिल्कुल। आप लोग मेरे साथ कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? सर फिर से बताइएगा सर, ट्रिम वाला सर कैसे करें? इक्वल टू TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया अपन ने,
ब्रैकेट को बंद कर दिया, बस इतना काम है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को और एंटर कर देना है, ये हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसको डबल क्लिक करना है, ये बग गया। ये कर पा रहे हैं आप लोग? साथ में करते चलिए आप लोग। द कंपनी पेड 4000 रुपीज फॉर दिस जॉब, 56,000 रोज के अंदर से तीन चीजें निकाल के देनी थी, द कंपनी पेड 4000 रुपीज। और ये अगर आप थोड़ी सी चीजें जानते हो तो 10 से 15 मिनट में आप कर लोगे, उससे भी कम टाइम भी लग सकता है। ये कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सबने? आवाज कम आ रही है। यस सर। ओके, ये कर लिया। अब मैं लेफ्ट इसके ऊपर लगा सकता हूं क्या? यस सर। और क्या मैं इसको रन करा दूं? अब मैंने अकाउंट नंबर निकाल लिए क्या? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको सिखा देना चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए, जब भी डेटा आपका काम हो गया ना, उसको फॉर्मूला मत रखिए, उसके वैल्यूज ले आइए। तो मैं ये तीन स्टेप बताऊंगा, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, बहुत जगह करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, पहला स्टेप है डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, ये आप लोगों को आता है। नीचे तक डेटा सेलेक्ट करने के लिए क्या बटन यूज करो? कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल है तो पूरी शीट हो जाएगी, मेरे को सिर्फ ये कॉलम करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट? ठीक है, मेरे को वापस जाना है फर्स्ट पे सिलेक्शन के साथ, मैं करूंगा कंट्रोल बैकस्पेस, मैं ऊपर आ गया। मेरे को अभी इसको पूरे को कॉपी करना है, कंट्रोल सी करूंगा मैं, राइट? पहले वाले सेल में क्लिक करूंगा और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, ये एक शॉर्टकट है जिससे पे स्पेशल का बॉक्स खुलता है। उसके बाद मैं वी फिर से करके एंटर कर दूंगा, और ये देखिए यहां पर अब आप क्लिक करोगे ट्रिम का फॉर्मूला नहीं आएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। आप लोग नोट कर पाए क्या डिफरेंस? सर एक बार बताइएगा प्लीज। हाँ, ये मैं एक बार और बताऊंगा, लेकिन आप लोग समझ पाए क्या क्या हुआ? यस सर। ओके गुड, तो हम इसको फिर से करते हैं। ये देखिए, मैंने अभी जब इसको बैक कंट्रोल जेड किया तो मेरा ये सेल में क्या है, हर एक सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, एवरी सेल इज हैविंग फॉर्मूला, लेकिन मेरे को फॉर्मूला हटाना है जहां पे उसका काम हो गया, अब मेरे को पे स्पेशल करना है। मैं कैसे करूंगा और सब कैसे करते हैं कंपनीज के अंदर जो लोग थोड़ा कीबोर्ड पे फास्ट होते हैं, इसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, साइड एरो डाउन एरो, सो आप पूरी एरिया सेलेक्ट करना है, ये आप जानते हो, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, राइट? उसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल बैक स्पेस, मैं ऊपर आना चाहता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, कंट्रोल बैक स्पेस, ये मैं ऊपर आ गया, पहले सेल में आ चुका हूं मैं। नाउ आई विल डू कंट्रोल सी टू कॉपी द डेटा, कंट्रोल सी हो गया, मेरे को पे स्पेशल करना है। पे स्पेशल का शॉर्टकट है, एक पहले सेल को, पहले कर्सर को, सेल को पहले कर्सर में ले आना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये विंडो खुलेगा। अगेन आफ्टर द विंडो ओपन्स मैं वी प्रेस करता हूं जिससे वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है यहां पे, और ओके की जगह मैं एंटर कर दूंगा, और ये हो गया। ये जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये काम कर लिया करोगे। ये अचीव हो पा रहा है क्या? कहीं लिख भी लो, क्योंकि ये दो तीन बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको ये आएगा, नहीं तो भूलोगे अभी इसको। आप एक और बताइए, मेरे को नहीं समझ आया। ओके अच्छा, ये तो समझ में आया, मैं कर क्या रहा हूं? यस सर, ये आया, बट कैसे करना है ये नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देता हूँ। अभी देखिए इसके ऊपर फोकस करिए, ये सेल है, पहले मेरे को इसको नीचे तक सेलेक्ट करना है, क्या करूं?
कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वेरी गुड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। वापस मेरे को पहले सेल पे आना है, क्या करूं? कंट्रोल बैक, कंट्रोल बैक स्पेस। यहां तक साथ में आए आप लोग? यस सर। ठीक है, अब मैं करता हूं कंट्रोल सी, क्या करूं? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कॉपी कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी होता है ना, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी करिए तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, ये कॉपी हो गया, राइट right? पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेल को। अब प्रेस करिए कंट्रोल ऑल्ट वी, यस सर। एक बार और प्रेस करिए वी, तो देखिए ये ऑल से खिसक के नीचे वैल्यूज पे आ जाएगी, ब्लू बटन, और करिए एंटर, एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए और ये हो गया। ओके। अब आप क्लिक करके देखो फॉर्मूला की जगह वैल्यूज आ रहा होगा। यस सर। वेरी गुड, डन है। इसको के लिख लेना, ये भूलोगे, तीन चार स्टेप्स हैं क्योंकि इसमें। एक मिनट। ये सब लोग कर पाए क्या? आवाज नहीं आ रहा, नहीं कर पाए लग रहा है। यस सर, हो गया। हो गया अरमित, वेरी गुड। संचय अरमित का तो हो गया, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। हमने छोटी क्लास बनाई थी, सब लोग बोलेंगे। डन सर। वेरी गुड। मनीष। यस सर। हुआ कि मैं फिर से करूं एक बार? सर मैं नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ, एक बार मेरे साथ करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ट्रिम का फॉर्मूला दिख रहा है आपके डेटा में, क्या आपको ट्रिम का फॉर्मूला, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको जब कर्सर रखेंगे तो अभी मेरे में ये है कंट्रोल जेड, हाँ अब आ गया ट्रिम फॉर्मूला। ये आपका ट्रिम का फॉर्मूला दिख रहा है क्या फर्स्ट सेल में? पहला स्टेप तो ये जरूरी है। यस सर। ठीक है, ट्रिम का फॉर्मूला दिख रहा है, तो अब आप इसको नीचे तक सेलेक्ट करना है, क्या बटन यूज करूं? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट? यस सर। ये सेलेक्ट हो गया, अब कीबोर्ड पूरा हाथ हटाने के बाद फिर से कंट्रोल को दबा के रखिए और बैक स्पेस क्लिक करिए, बैक स्पेस आ गया। यस सर। आ गया, ठीक है, अब हम करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे इसको, कंट्रोल सी कर दीजिए। डन सर। पहले वाले सेल को B1 सेल के ऊपर कर्सर को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहां से मेरे को उसको पेस्ट करना है, राइट? यस सर। अब आप प्रेस करिए कंट्रोल ऑल्ट वी, वी फॉर वैन, ये विंडो खुलना चाहिए, ये यस सर, हो गया सर। अब फिर से वी प्रेस करिए तो ये वैल्यूज सेलेक्ट होगा और एंटर कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वहां पर फॉर्मूला उड़ गया, आपका वैल्यूज आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑल आर डन नाउ। कंट्रोल माइनस। देखिए हमने क्या किया अभी तक, अभी हमको आगे क्या सीखना है, अगर क्लास बंद होगा तो फिर से ज्वाइन करके आइएगा। ये देखिए हमने पहली चीज निकाल ली, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट के लिए कुछ दिमाग लगा पाएंगे आप लोग? राइट। हाँ जी, राइट। राइट में क्या चैलेंज आएगा? राइट में क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछता है, तो क्या हम फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे पाएंगे? यहाँ पे देखो 0 रुपए है, यहाँ पे 10,000 रुपीज है, राइट काम करेगा क्या? नो सर। नो, राइट नहीं काम करेगा। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, मैं ये सिखाता हूँ, ये भी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। ये देखिए डेटा टैब में जब हम जाते हैं तो यहां पर एक चीज आती है टेक्स्ट टू कॉलम, ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट टू कॉलम, दिख रहा है क्या? यस सर। ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, मैंने शुरू में आपसे पूछा डेटा किसमें है, टेक्स्ट में है, उसको अलग अलग कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप एनालिसिस कर सको। तो हम टेक्स्ट टू कॉलम टूल यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, ये मेरा डेटा सिलेक्टेड है, आई विल गो टू डेटा, आई विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम, इसको क्लिक करिए, ये विंडो खुलना चाहिए। ये विंडो खुला तो बताइए। खुला विंडो? यस सर। इसमें दो चीजें आपको दिख रही है, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ, दिख रही है? यहां पर देखिए ब्लू बटन के आगे लिखा है डिलिमिटेड और नीचे लिखा है फिक्स्ड विड्थ। यस सर। ओके, और नीचे आपका डेटा है, मैं पहले फिक्स्ड विड्थ दिखाता हूं जिसकी काम बहुत कम पड़ता है, फिक्स्ड विड्थ को क्लिक करता हूं और नेक्स्ट करता हूं, तो ये देखिए यहां पर एक लाइन बन गई जो फिक्स्ड विड्थ, मतलब आप कहीं भी उस लाइन से अपने डेटा को काट के अलग कर सकते हो, फिक्स्ड विड्थ है, कितनी भी जगह आप उसकी विड्थ फिक्स कर सकते हो। ये एरो को मैं खींच रहा हूं, वैसे ही आप एरो खींच के कोई भी डेटा को आप काट के अलग कर सकते हो। कैन यू सी दिस? आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? यस सर। यस सर। है ना, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, हम लोग बैक करते हैं, हम लोग क्लिक करेंगे डिलिमिटेड को। डिलिमिटेड बहुत ही स्ट्रांग टूल है। डिलिमिटेड को क्लिक किया और हमने किया नेक्स्ट। जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया तो उसने बोला कि मैं बहुत तरीके से आपका डेटा काट सकता हूं, टैब से, सेमी कॉलन से, कॉमा से, स्पेस से, और भी कोई तरीका आपको चाहिए तो वो भी लिख दो, मैं उससे भी डेटा काट दूंगा। तो अपन इसको कहते हैं अदर यूज करो, और मेरे को तुम्हें जहां पे डॉलर लिखा है वहां से डेटा काट दो। ये मैंने डॉलर लिखा, इसने देखिए डॉलर के आगे आपका डेटा काट दिया, ये जितना भी रुपए थे ना ये काट के इसने अलग कर दिया। कैन यू सी दिस? यस सर। अदर को क्लिक किया और हमने डॉलर लिखा, उसने डॉलर के आगे डेटा काट दिया, अपन ने उसको बोला नेक्स्ट, बोलो आगे जाओ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन बताओ, मैं इसको किधर चिपका दूं, तो इसको बोलो कि तुम इस डेटा को चिपका दो E1 सेल में। यहाँ पे B की जगह मैं E लिख देता हूं, तो यहाँ पर $E $1 सेल आ गया, E1 सेल में मेरा ये आउटपुट को चिपका दो, और मैं फिनिश बटन प्रेस करूंगा। फिनिश बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर डबल क्लिक करिए ई सेल में, तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने एक कॉलम में आधा डेटा और उसका एक कॉलम में आधा डेटा काट के अलग कर दिया, जितना भी रुपया था आपका निकाल के उसने अलग कर दिया। कैन यू सी दिस? यस सर। आप लोग कर पाए? यस सर। अरे कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? श्योर श्योर। ये देखिए अनुष्का, ये हमारा डेटा है, राइट? इस डेटा में से मेरे को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, एंड इन एवरी अमाउंट देयर इज डॉलर रिटन देयर, राइट? सो ये जब भी आप इस डेटा को अलग करोगे ना, आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे डेटा काटूं। यहां पर मेरे को डॉलर दिख रहा है, सो आई विल, मेरे को अमाउंट चाहिए, हर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है, एंड द अमाउंट इज स्टार्टिंग विद डॉलर, सो आई विल यूज द डॉलर एज ए सेपरेटर एंड टेक अवे द नंबर्स फ्रॉम देयर। So first step is I'll select the data. Control shift down arrow. Select the data. Click on data tab. Go to text to columns. एक बार text to columns में हम आए, यहां पर आने के बाद I will use delimited here. Fixed width में आपको बताया, fixed width क्या करता है, it allows me to cut the data with an handle. अगर ये मेरा fixed width, जैसे मेरे को account काटना था तो I could have used this also instead of using the left button. मैं इसका भी इस्तेमाल करके काट सकता था। अमाउंट के केस में आई कांट डू दैट, बिकॉज अमाउंट का कहीं से भी मैं रखूंगा आई कैन नॉट कट, यहां से किया तो अमाउंट इधर पीछे है, सो आई कैन नॉट यूज दिस, सो आई विल गो बैक, आई विल गो बैक एंड आई विल यूज डिलिमिटेड। इन डिलिमिटेड आई विल से नेक्स्ट, इट कम्स हियर एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आई विल डीसेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड आई विल सेलेक्ट अदर एंड आई विल चूज डॉलर्स हियर, and it will select wherever it has found dollar in every row, वहां से उसने डेटा को काट के अलग कर दिया। Then I am saying next to it, it is asking me what is the destination where you want me to paste this data, कहां पर paste करूं इसको, so I can give any destination, I am giving here E1 cell, वो बोल रहा है मैं B1 में कर दूं क्या, मैं उसको बोल रहा हूं B1 में मत करो, E1 में कर दो, अगर मैं B1 में बोलूंगा तो overwrite कर देगा जो डेटा ऑलरेडी है उसके ऊपर, so I'll just write E1 here and I'll say finish, and it has taken out the data in even cell. Even cell ko aap expand karo, F cell ko expand karo, and now you can see that E and F cells mein usne data ko nikal ke alag kar diya hai. Sab log kar paaye guys? Yes sir.
यस सर। ये देखिए डेटा क्लीनिंग ना एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि डेटा आपको ना 500 सोर्सेस से मिलेंगे। आज आप डेटा एनालिसिस कौन सी कर देते हो? देखिए डेटा एनालिसिस में डेटा क्लीनिंग जो है ना, इसको थोड़ा सा आप लाइटली मत लीजिएगा। ये आपके काम का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप आज के डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी डेटा को हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, गूगल के पेजेस को एनालाइज कर पा रहे हैं। वो कैसे होता है? पहले डेटा आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई ऑल द टूल्स लाइक वीलुकअप हो गया, पावर पिवट हो गया, पिवट टेबल्स हो गए। वो सब लगाने के लिए पहले डेटा को आप वर्केबल फॉर्मेट में ले जाना बहुत जरूरी है। सो डेटा क्लीनिंग एंड कन्वर्टिंग इन टू राइट फॉर्मेट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो यहां तक आप लोग कर पाए हैं? मेरे साथ आए हैं क्या आप लोग? यस सर। ओके संचय, संचय इज देयर? संचय टिक लगाएगा। हरमीत सर वो यस सर, मतलब मैं पीसी से हूं तो। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें से मेरे को अमाउंट और सीआरडीआर अलग करना है, अमाउंट और सीआर अलग करना है। थोड़ा सा जितना मैंने अभी बताया उसी से करूंगा मैं। आप लोग थोड़ा सा आप डेटा पे नजर मार के देखिए कोई चीज कॉमन है जो उसको सेपरेट करती हुई दिख रही है हर रो में। राइट ओके वन वे करेक्ट। एक तरीका ये है कि हम राइट से उठा लें क्योंकि दो ही कैरेक्टर है, ठीक है। उससे क्या होगा वो हम कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, बट उससे क्या होगा मेरा अमाउंट नहीं निकलेगा, राइट निकलेगा और ये निकलेगा। टू करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये सीआर आ जाएगा, इसको रन कर दूंगा, ये सीआरडीआर इसने निकाल दिया, बट यहां से मेरा अमाउंट नहीं निकला। सो दिस इज नॉट वर्किंग फॉर द टाइम बीइंग। और कुछ देखिए दोनों के जो दो चीजें हैं क्या क्या है, अमाउंट एंड सीआर, उनके बीच में कुछ और दिख रहा है आपको? कैन यू सी अ स्पेस देयर? यस सर, एवरीवेयर देयर इज अ स्पेस। हम उसको यूज करेंगे। अगेन हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में करके डेटा पे क्लिक किया, अगेन वी गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहां पे खुला डिलिमिटेड, हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करके हमने उसको बोला कि यूज द स्पेस, अदर हटा दो, सिर्फ स्पेस से मेरा डेटा काट दो। उसने देखिए अमाउंट को काट दिया और सीआर को अलग कर दिया। कैन यू सी दिस? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, आप दो चार बार इसको यूज कर लोगे अलग अलग डेटा पे। कल मैं आपको 8-10 एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद आप इसको बिल्कुल खिलौने की तरह यूज कर पाओगे। अभी फर्स्ट डे है, थोड़ा सा आपका दिमाग उलझ रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये बिल्कुल आसान कर देंगे हम इसको। अब ये देखिए स्पेस पे हमने क्लिक किया, इसने इस डेटा को काट दिया। नेक्स्ट स्टेप वो कुछ भी नहीं पूछेगा, बोलेगा मैं कहां पे पेस्ट करूं, F21 पे ही। मैं उसको बोल सकता हूं F21 पे ही पेस्ट कर दो, यहां पर वो अमाउंट दे देगा और जी में वो मेरे को क्रेडिट डेबिट दे देगा, मैं फिनिश कर देता हूं। ये उसने कर दिया। आप लोग कर पाए मेरे साथ? यस सर। अब आपको किसी को रिपोर्ट वापस भेजनी है तो आप यहां पर एक कॉलम, एक शीट इंसर्ट करो, इसके ऊपर लिख दो फाइनल फाइनल, और उसके बाद आपने जहां पे वर्किंग कर रही थी या जहां भी थे आप, वहां पे अपने डेटा को सेलेक्ट करो जाके। आपने तीन चीजें निकाली है यहाँ पे, लेट्स गो ऑन द टॉप, लेट्स सेलेक्ट दिस, प्रेस द कंट्रोल बटन, गो ऑन द राइट हैंड साइड, सेलेक्ट द एफ कॉलम, सेलेक्ट द जी कॉलम, डू कंट्रोल सी, गो ऑन द न्यू शीट फाइनल, कंट्रोल वी, एंड एवरीथिंग कम्स हियर। सब कुछ लेके हम आ गए, शीट वन को कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, ऊपर एंटर हुआ, इसका नाम दे देंगे हम अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ये हो गया अमाउंट, ये हो गया CR/DR, और ये हमने कर दिया। यहां तक आप लोग साथ आ पाए हो क्या? मुझे छोड़ के भग गए सब? यस सर। आगे हम लोग जहां वर्किंग कर रहे थे वहां से हमको कॉलम सेलेक्ट करने हैं। कॉलम सेलेक्ट करने आया मैंने कैसे किया, आपको समझ में आया? जहां जहां पे भी काम का डेटा था मैंने उस कॉलम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, साइड में इसको खींचा, यहाँ पे जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ा नहीं है,
इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, नई शीट पे गया, कंट्रोल वी किया। मुश्किल है बहुत। अरे अकाउंट नंबर अभी भी लेफ्ट अलाइन है, इसको राइट अलाइन कैसे करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे। आओ तो पहले यहाँ, तो हाउ बोलो, यहाँ तक आ गए। आ गए यस सर, आ गए आ गए आ गए, है ना। तुम लोग या तो मेरे आगे चला जाता है या पीछे रह जाता है, साथ में तो चलो थोड़ी दूर। ये कर लिया हमने, यहाँ पर आ गए। अब एक चीज देखो बहुत मजेदार, ये अभी आपका लेफ्ट में दिख रहा है, इसको राइट में करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए अपन एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया मैंने और ये बता रहा है लेफ्ट में, तुमने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। यहां पर अपन ने लिया, विल जस्ट ड्रैग इट, अकाउंट नंबर यहां पर आ गया। अपन यहां पे करेंगे इक्वल टू अकाउंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन। ये मेरा मेरा रूडिमेंट्री मेथड है कि कहीं पे भी आता है मैं तो ये कर देता हूं। उसके अलावा भी तरीका है, ऊपर जाके जनरल से नंबर फॉर्मेट करेगा तो भी हो जाएगा, बट अभी तो ये कर लो यार, मेरी बात थोड़ी सी मान लो। क्योंकि ये करने में क्या है, एक बार आपको मैं वो भी प्रैक्टिस करा दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है A2 into 1, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला टू वैल्यूज में। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बैक स्पेस, फर्स्ट सेल में कर्सर रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी आ गया, वी एंटर, ये वैल्यू में आ गया। पहले वाले कॉलम को मैं उड़ा दूंगा, कंट्रोल माइनस, ये बन गया मेरा डेटा। अब एक और चीज बताने के बाद मैं क्लास खत्म करूंगा, यहां तक आप लोग पहले कर लीजिए, फिर मैं एक चीज और बता दूंगा, उसके बाद विल एंड। कल फिर हम इसको समराइज करेंगे, पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को। कल का लेक्चर प्लीज मिस मत करना, मत सोचना वीडियो देख लेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग 5-6-7 एनालिसिस करके इस दोनों टॉपिक्स की महारत हासिल करेंगे। यहां तक आ गए हम लोग। ओके, अब देखो क्या हुआ, तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास जो था उस पे नजर मारो। तुम्हारे पास एक टेक्स्ट में डेटा था जिसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, आप भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस डेटा में आपको कुछ एनालिसिस करनी थी, उसके लिए पहले आपने उसको क्लीन करके यहां पर ले आए। नाउ यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, कितने अकाउंट डेबिट है, कितने अकाउंट क्रेडिट है, कितना 10,000 से ज्यादा है, कितना 10,000 से कम है, यू कैन डू एनीथिंग हियर। पहला चीज बहुत सिंपल तरीका, कंट्रोल शिफ्ट एल कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल कर लीजिए, ये लग गया। इसमें जाके आप कुछ फिल्टर लगा लीजिए, अमाउंट में, अमाउंट में फिल्टर लगाइए, जिसमें आप लिख दीजिए नंबर फिल्टर्स, लिख दीजिए ग्रेटर देन 1,00,000 रुपए वाले अकाउंट बताओ मेरे को। 1,00,000 रुपीज आपने टाइप किया यहाँ पे और आपने ओके कर दिया, इसने 1,00,000 से ऊपर के अकाउंट निकाल लिए। आपने एक बार रन किया नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन और आपने देखा कि आउट ऑफ 56,000 आपके पास 8,000 लोग ऐसे हैं, 8,800 जिनके पास अकाउंट जो है 1,00,000 रुपीज से ज्यादा है, राइट। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि यू कैन, उसी में मैंने फिल्टर मारा, मैंने क्लियर फिल्टर बोला, फिर से गया मैं, आई अप्लाई अगेन नंबर फिल्टर एंड आई से इक्वल टू जीरो, आई वॉन्ट टू फिगर आउट जीरो पैसे वाले कितने लोग हैं। ओके किया एंड आई गेट सम नंबर्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा और ये मेरे को दिखा 15,400। यहाँ पर देखता हूँ, पता नहीं आप लोग कहाँ देख रहे हो, इस जगह देखिएगा जब मैं ये नंबर्स बोल रहा हूँ। 15,400 अकाउंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 56,000 जिनका जीरो बैलेंस है। सो फ्रॉम समथिंग विच वॉज टोटली इन टू अ टेक्स्ट फॉर्मेट, फ्रॉम देयर वी टुक आउट थिंग्स एंड नाउ वी हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इसमें पिवोट टेबल लगाएंगे, आप 10 मिनट के अंदर इसकी कैटेगरीज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सोचना शुरू करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। मैं इसका फिर से यहां से फिल्टर हटाता हूं, आई जस्ट रिमूव द फिल्टर फ्रॉम हियर। मैं यहां पे डेबिट क्रेडिट में से एक का फिल्टर लगा देता हूं तो मेरे को सिर्फ डेबिट वाले अकाउंट्स मिल जाएंगे जो डीआर है, तो ये ओनली डीआर अकाउंट्स आ गए। सो आई कैन अप्लाई फिल्टर एनीवेयर, अकाउंट नंबर पे फिल्टर लगा सकता हूं, एनीवेयर आई कैन अप्लाई फिल्टर्स एंड आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग सबसे रूडिमेंट्री है, इतना आप इजीली कर सकते हो। इसके ऊपर फिर पाइवट डाइवट लगा के हम बहुत सारी चीजें इस डेटा को एनालाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस सबमिट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 56,000 रोज व्हाट द मैनेजमेंट शुड डू, किनको काटना है, किनको हटाना है, किनके ऊपर कैंपेन रन करनी है, किनको हाई प्रोडक्ट्स पिच करने हैं। यू कैन ऑल मेक सजेशंस लुकिंग एट दिस डेटा। कहां से शुरू हुए थे? We started from some text data.
सो गाइज इज इट मेकिंग सम सेंस? यस सर। ओके, ये फिल्टर लगा के थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप लोग? आर यू अप्लाइंग फिल्टर्स एंड ट्राइंग इट? ये पोर्शन पे आप लोग काम कर पाए थे या मैंने ज्यादा तेज बता दिया? यस सर, आपके साथ कर रहा था सर। आप लोग फिल्टर लगा पाए कंट्रोल शिफ्ट एल करके? यस सर। फिल्टर लगाने के बाद विद इन फिल्टर फिल्टर्स लगा पा रहे हैं ये नंबर फिल्टर पे जाके? सो प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ मैं कर देता हूँ। तुम लोग खुद से क्यों नहीं रोकते हो यार, मेरे समझ में नहीं आता है। खुद से रोका करो मुझे कि थोड़ा सा फिर से बताइए। ये देखो, ये यहां तक आप लोग साथ हो? आप लोग ने ऊपर रो इंसर्ट किया, यहां पर अकाउंट नंबर, अमाउंट, CRDR ये लिख पाए आप लोग? या इससे पहले yes, ये तीनों कॉलम्स यहाँ पर लाए थे आप लोग, ले आए थे? यस सर। इसको नंबर में कन्वर्ट कर पाए थे? जहां yes, पर sir. भी नहीं किया है मेरे को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटा एग्जैक्टली जैसे मेरा दिख रहा है वैसे आपका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो टेल मी, वी विल डू इट अगेन, देयर इज नो पॉइंट सेइंग। ना अदिति आपका या मनीष किसी का भी कुछ छूटा है तो मेरे को बोलो। हरमीत, यू हैव द डेटा इन द सेम फॉर्मेट एज आई हैव। अनुष्का, यस सर। ओके ओके, सो देखो अभी हमें क्या करना है, यहां पर जाके हम कर्सर रखेंगे एंड विल प्रेस ऑन कंट्रोल शिफ्ट एल। और ये आपको ये छोटे छोटे से फिल्टर विंडोज दिख रहे हैं ऊपर लग गए? कैन यू सी दिस? यस सर। इसमें से किसी पे भी, मैं अमाउंट के ऊपर मैं ज्यादा बात कर सकता हूं इसलिए मैं अमाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। इसको क्लिक करिए, ये खूब सारी चीजें खुलेंगी। इसमें नंबर फिल्टर्स दिखेगा आपको, नंबर फिल्टर्स को जब आप कर्सर रखोगे तो यू विल गेट सम थिंग्स हियर। इसमें इक्वल्स को चेक कर लो, पहला वाला इक्वल्स को क्लिक करो, इक्वल्स पे जीरो लिख दो, यहां पर सिंपली राइट जीरो एंड से ओके। यू विल गेट ऑल द अकाउंट्स विच हैव जीरो बैलेंस। कर पाए आप लोग? संचय, यस सर। ओके, क्या मैं इसको दोबारा कल कराऊं? आप लोग बहुत लो साउंड कर रहे हैं, ज्यादा हो गया क्या? यस सर। चलो ठीक है। बट इतना ये तो फिल्टर तो लगा पाए हो ना, और फिल्टर लगा के एक दो चीजें अपने आप ट्राई कर सकते हो। विल कॉल इट अ डे, कल मिलते हैं, है ना? ये आप यहाँ से फिल्टर्स लगा के और इसमें खुद कोशिश कर लीजिए थोड़ा बहुत। सो विल कॉल इट अ डे, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू गाइस। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। सब आता है मेरे को इंग्लिश में। थैंक यू सर। श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दानु।